तैयारी चल रहा है फिलहाल। ये रहा हमारा गांव और रहके रहा। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ घंटे को ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिले। हे एवरीवन, दिस इज विनायक, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज चलते हैं हमारे गांव में। फिलहाल हमारे गांव के बगल घर में, बगल घर में बोलता हूँ, बगल गांव में, मतलब जो कि रायकेरा। और वैसे रायकेरा बिछनारा पास पास में है, 1-2 किलोमीटर का फर्क है। तो यहाँ पे एक स्टेशन आ चुका है हमारा, रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलो उसकी सैर कराते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि स्टेशन बन रहा है या फिर सिर्फ ट्रेन आया। फिलहाल रायकेरा में ट्रेन आ चुका है और गांव का सफ़र दिखाएंगे, मेरे गांव का। और रायकेरा का टूर कराते हैं कि रायकेरा कैसा है, क्योंकि रायकेरा और हमारा गांव पूरा विलुप्त होने वाला है। मतलब कंपनी आया है NTPC गांव की वजह से, ये हमारे आसपास का 5 गांव ऐसे कुछ है जो कि पूरा का पूरा साफ होने वाला है, कोयला का खदान बनने वाला है। तो फिलहाल देख लेते हैं, एक बार वीडियो बना लेते हैं, अपने गांव का भी टूर दिखाएंगे, लास्ट तक देखते रहना। और रायकेरा का और ट्रेन जहाँ उद्घाटन हो रहा है उसको भी दिखाते हैं। चलो पूरा का पूरा टूर, तो पूरा वीडियो देखना अच्छा लगेगा क्योंकि बार बार देखने का मौका नहीं मिलेगा, पूरा गांव ख़त्म होने वाला है और हमारा गांव देखते हैं। चलो तो चलो हम अब पहुँच चुके हैं रायकेरा, तो हमारे गाँव से डायरेक्ट निकल चुके हैं। बाकी वापसी में आपको दिखाएंगे मेरा वाला गाँव, क्योंकि रायकेरा से पहले पड़ता है, मतलब इधर पड़ता है पीछे साइड में। तो पहले चलो यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा रेलवे वाला उद्घाटन शुरू हो रहा है। यहाँ पे रायकेरा, इसके ठीक आगे में पटरी बना हुआ है और आगे में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पटरी बन रहा है, रेलवे स्टेशन नहीं बना है बाकी, फिलहाल आ चुका है ट्रेन। तो फिलहाल हमारे घरगोड़ा एरिया में हमारे गाँव तक आ चुका है रायकेरा तक। चलो दिखाते हैं थोड़ी ही दूर आगे में, उसके बाद हमारा रायकेरा गाँव दिखाएंगे, उसके बाद में हमारे गाँव तक भी लेके जाएंगे, रास्ते में दिखाएंगे थोड़ा बहुत। चलो तो चलो शायद हम जल्दी पहुंच गए हैं, स्टार्ट नहीं हुआ है फिलहाल, वो बना हुआ है। बाकी यहाँ से हम देख सकते हैं, थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, वहाँ तक लेके जाते हैं आपको। पहले दिखाते हैं कि कैसा है जहाँ पे बनने वाला है। ये देखो यहाँ पे होगा उद्घाटन, थोड़ी देर में होने वाला है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिलहाल आपको डायरेक्ट दिखाएंगे, पहले आप हम लोग जाके देख लेते हैं, सीन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको डायरेक्ट वही दिखाएंगे तो फिर समझ में आएगा। चलो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये रहा मेन जगह। तो चलो यहाँ पे फिलहाल जो भी बोलो ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे। चलो एक हमारा कैमरामैन पीछे घूम रहा है, ये सामने दिख रहा है कोयला है। फिलहाल देखो इतना सारा, ये सबको ना, मतलब उधर आगे में खदान है जहाँ से लेके आना पड़ता है, मतलब लेके आते हैं फिर यहाँ पे डंपिंग करते हैं, उसके बाद में यहाँ से लेके जाना है फिलहाल कोयला को। तो फिलहाल कोयला आना शुरू हो गया है उधर से निकालना, और क्या बोलेंगे, हमारा गांव पूरा डूबने वाला है। फिलहाल लास्ट बार देख लो ये सब, ये तो रहेगा यहाँ का सीन, बाकी जो सामने में दिख रहा है ना जो पहाड़, उस किनारे में हमारा गांव बसा है, ये रायकेरा गांव दिख रहा है, लगता है धीरे धीरे गायब हो जाएगा किसी ज़माने में। इस वीडियो को अगर रहा तो देखने को मिलेगा, हम खुद देखेंगे, अपने बच्चों को भी दिखाएँगे जब बड़े हो जाएंगे तो, क्योंकि ये वाला सीन हमें पता नहीं फिर कभी आएंगे कि नहीं जब यहाँ खाली करेंगे तो, क्योंकि फ़िलहाल हमारा गाँव एरिया जो आसपास में 5-6 गाँव है ना, सारा गाँव विलुप्त हो जाएगा। अगर मेरा बस चले तो कमेंट करना, आसपास का वीडियो बना ले रहेंगे, मेरा भी मन करता है कि बना लूँ ताकि बाद में देखने को मिल पाए। चलो फिलहाल आ गया है हमारे रायकेरा गांव घरघोड़ा के पास। घरघोड़ा का नहीं तो नहीं देखा हूँ स्टेशन, लेकिन हमारे फिलहाल रायकेरा में, हमारे गांव के जस्ट बगल में बिछना रायकेरा में आ चुका है रेलवे। ये देखो फिलहाल तो मालगाड़ी आया है, आज उद्घाटन होने वाला है, देखते हैं उद्घाटन का वीडियो बना पाते हैं। तो फिलहाल आज ये सब देखो, कोयला ले जाना शुरू कर दिए हैं या भर के रखे हैं पता नहीं, शायद भर के रखे हैं। यहाँ पे फीता कटेगा, उसके बाद होगा आगे का प्रोसेस, पहले शायद उद्घाटन करेंगे या फिर शायद अभी हो जाना चाहिए फीता काटने वाला। तो चलो फिलहाल यहाँ पे हमारे एरिया में कभी लटक के कहीं जाने का मन किया रायगढ़ तो फिर इधर कहीं कोयला गाड़ी में चढ़ जाएंगे, उसके बाद में चलेंगे। फिलहाल आज है उद्घाटन और फिलहाल फाइनली यहाँ पे आ चुका है, तैयारी चल रहा है फिलहाल। चलो तो फिलहाल हम लोग ना उद्घाटन तो नहीं देख पाए क्योंकि वहाँ पे जाने का परमिशन नहीं था, तो अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया। फिलहाल ये देखो स्टेशन, ये सर घूम के जाता है। तो चलो फिलहाल आगे से ये ट्रेन यहाँ से निकल चुका है, तो हम चलते हैं सीधा आगे, मतलब गांव साइड में, तो उस साइड में हम लोग पकड़ लेंगे ट्रेन को, दिखाते हैं कि कैसा दिखता है ट्रेन। फिलहाल आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से जाओगे तो आगे कोटरी माल पड़ता है, लेकिन इसके किनारे किनारे जाएंगे, यहाँ से राइट साइड में जाएगा कोटरी माल, फिर घरघोड़ा, हम लोग को जाना है लेफ्ट क्योंकि ये गांव पड़ेगा जो कि पुराना वाला रायकेरा का गांव था ना, वहाँ घुसाएगा। तो चलो इधर चलते हैं, ये तो है सेंट्रल बैंक रायकेरा का, यहाँ पे सेंट्रल बैंक है और पीछे में एक पंजाब बैंक भी है। तो चलो फिलहाल ये गांव घुसने का रास्ता, फिलहाल लेफ्ट में यहाँ पर है एक स्कूल जो कि रायकेरा का है,
मतलब यहीं पे है, पढ़ने आते हैं मिडिल या फिर हाई स्कूल पढ़ना हो तो यहाँ पे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायकेरा। तो चलो यहाँ से आगे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा बस्ती है जो कि धीरे धीरे टूट रहा है क्योंकि रायकेरा वाले भी खाली कर रहे हैं क्योंकि ये सारा जगह भी उठ गया है पूरा NTPC की वजह से। तो फिलहाल ये पेड़ पौधा तो ये दिखने को है, बाकी बाद में पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरा आम का पेड़ है। देखो कितना प्यारा बगीचा मस्त दिख रहा है। बाकी फिलहाल देखो ये सामने में जो घर वगैरह बना है ना ये सब नया है, शायद ये वाला ना नहीं उठ रहा है, मतलब इससे आगे का उठ रहा है वहाँ तो दिखाएंगे। फिलहाल ये सब में भी घर बन रहा है तो फिलहाल ये सब को भी नहीं उठेगा तो ये सब पेड़ रहेगा फिलहाल। फिर कभी हम लोग घूमने आएंगे वापस तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बाकी इससे आगे का देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक आगे में एक रेलवे फाटक है जो कि दिखाते हैं जहाँ पर ट्रेन आने वाला होगा, जो कि हम वहाँ मिस कर दिए थे उद्घाटन के टाइम में लॉन्चिंग किए, उसके बाद में इधर सप्लाई हो गया है, ट्रेन आने लगा है तो यहाँ दिखाते हैं फाटक के पास में। उसके बाद उस पार का पूरा गांव तो उठने वाला है, पूरा टूट फूट होने वाला है मे बी। तो चलो ये रहा एक राय रास्ता, ये लेफ्ट में था पहले रास्ता छोटा सा, बाकी अभी इस साइड में बना दिए हैं। यहाँ पे ये वाला बड़ा वाला फाटक बन रहा है, यहाँ पे आने जाने के लिए मतलब ट्रेन आएगा तो ये बंद हो जाएगा, मतलब इसमें थोड़ा ट्रैफिक हो जाएगा, इसलिए नया रोड बना है जिसमें हाईवे जिसमें हम लोग आए वहाँ पे होगा। ये देखो यहाँ पे आएगा ट्रेन। चलो तो फिलहाल ट्रेन ये रहा आ रहा है, बहुत धीरे धीरे लेके जा रहे हैं क्योंकि मतलब हाँ तो धीरे धीरे चला के पहली बार चला रहे हैं ना, तो पहला चल रहे हैं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे करके यहाँ से लेके जा रहे हैं। ठेकेदार है क्या देगा आगो के तिवारी 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 कुदाल तो चलो फिलहाल ट्रेन तो देख लिए, इधर से लोग ये सब काम कर रहे हैं, फिलहाल बहुत सारा काम बचा हुआ है यहाँ का। अब चलो सीधा चलते हैं, हम दिखाते हैं रायकेरा का गांव वाला रास्ता। फिलहाल रायकेरा गांव साइड नहीं घुसेंगे बस्ती, क्योंकि हम लोग को अपने गांव साइड जाना है, तो फिलहाल गांव के जस्ट किनारे किनारे में लेके जाएंगे। तो यहां से शुरू होता है ये वाला गांव, मेरे ख्याल से ये सब भी उठने वाला है, उठ सकता है या फिर पता नहीं, ये सब आधा घर तो टूट गया है तो मतलब उठेगा। यहाँ पे लेफ्ट में भी था देखो, ये घर भी टूट चुका है, मतलब ये पूरा का पूरा जाने वाला है। धीरे धीरे यहाँ खदान बन जाएगा जो कि आगे में खदान शुरू हो चुका है, जहाँ पे पूरा गांव यहाँ का, यहाँ से देखो राइट में जो रास्ता है ना ये वाला ट्रैक्टर वाला, वो जाता है रायकेरा गांव घुसते हुए, और ये थोड़ा सा किनारे वाला गली आ रहा, मतलब ये मेन रोड है बोलेंगे पहले वाला कच्ची वाला, और ये है मार्केट रायकेरा का मार्केट, जो ये मार्केट भी देखने को नहीं मिलेगा एक दो साल तीन साल बाद। ये मार्केट भी पूरा साफ होने वाला है क्योंकि फिलहाल लास्ट टाइम हमारे वीडियो में देख लो, फिलहाल कुछ साल देख सकते हैं, यहाँ पूरा मार्केट लगता है लेफ्ट में, और राइट साइड में जितना घर वगैरह दिख रहा है ये सब रायकेरा का गांव जहाँ पे लोग रहते हैं रायकेरा वाले। बाकी ये भी टूटने वाला है क्योंकि रायकेरा का जो लास्ट आखिरी साइड जा रहे हैं ना उधर का बचे रहेगा थोड़ा सा, बाकी इधर जितना भी दिख रहा है ये सब पूरा का पूरा टूटने वाला है, तो यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास ड्रोन की सुविधा होगा तो हम ड्रोन से उड़ाएंगे और दिखाएंगे कैसा था रायकेरा, क्योंकि बाद में देखने को काम आएगा। फिलहाल यहाँ लेफ्ट साइड में हमारा खेत भी था जो कि यहाँ से नहीं दिखेगा, बाकी क्योंकि आधा उजड़ चुका है, रेलवे स्टेशन बन चुका है, और आगे में है रास्ता जहाँ पे एक पुल भी बनाया गया है जहाँ पे और एक ट्रेन वहाँ से गुजरेगी, मतलब वहाँ पे भी डंपिंग होगा, मतलब कोयला वगैरह जब इस गांव को तोड़ के यहाँ पे खुदाई होगा ना तो यहाँ पे डंपिंग होगा। तो आगे में दिखाते हैं जब ये सब पूरा घर टूटने वाला है, जब टूटेगा तो यहाँ पे इस पुल के नीचे में ट्रेन आएगा, यहाँ पे नीचे वाला रास्ता बना है, बाकी यहाँ पे भी रेलवे का पटरी बना हुआ है जहाँ पे आएगा ट्रेन यहाँ तक, फिर डंपिंग करेंगे इधर से। तो फिलहाल ये गांव भी जाने वाला है जिसमें ट्रैक्टर, ये रास्ता नहीं था पहले ऊपर में था छोटा सा रास्ता, इसको तोड़ चुके हैं, इसको नया बनाया गया है। देखो इसमें पानी वानी भर रहा है राइट लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा पानी, बाकी ये सब देखो यहाँ पटरी बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन आएगा, फिर यहाँ से पलटी मार के जो भी करके यहाँ से लेके जाएंगे पीछे साइड गाँव को तोड़ के। तो फिलहाल ये गाँव पूरा का पूरा ख़त्म होने वाला है, फिलहाल जो कुछ भी है अभी देख लो, क्या पता ये पुल भी ना रहे, क्योंकि ये पुल फिलहाल अभी के लिए है कि लोग आना जाना करें, क्योंकि जब भी यहाँ पे ट्रेन आने लगेगा तो पता नहीं ये रास्ता को बंद कर देंगे, क्योंकि नया हाईवे तो बना हुआ है जो कि हम लोग पहले आए उस रास्ते में। इधर राइट साइड में देखो घर दिख रहा है, नया बिल्डिंग वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ से इधर का जितना आगे साइड है ना वो नहीं टूटेगा, यहाँ से पीछे साइड जितना भी है ना वो पूरा का पूरा टूटने वाला है, मतलब कोयला खदान बनेगा, और ये सब घर दिख रहा है ये सब नहीं टूट रहा है, मतलब इधर का पता नहीं इतना बच जा रहा हमारे चैनल ला कैसे बच रहे पता नहीं। इससे आगे हमारा गांव है जबकि हमारा गांव उठ रहा है, फिर आगे में सीधा जाओगे तो रामपुर है वो भी टूट रहा है, लेकिन यहाँ का इतना बच जा रहा है, राइट साइड में जितना दिख रहा है ना ये सब बचा है, इस रोड से लेफ्ट साइड में जितना भी है वो सब के सब उठ रहा है, राइट साइड जितना भी घर दिख रहा है सामने में ये सब भी पूरा रायकेरा में आता है,
लेकिन ये सब पता नहीं कैसे नहीं उठ रहा है बोलते हैं। मतलब इधर कंपनी नहीं आएगा, इधर खुदाई नहीं होगा, शायद कोयला वगैरह नहीं होगा, तो फिलहाल इधर का बच जाएगा। मतलब रायकेरा के आधे लोग तो, आधी जनसंख्या तो रहेगी यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से। और यहाँ पे आगे मैं देखूँ मतलब घर वगैरह भी बनाया गया है, मतलब नया नया घर बन रहा है। देखो ये सब, देखो ये पुराना वाला रोड में ही बन रहा है, इसके किनारे किनारे में, क्योंकि ये वाला नहीं टूटने वाला। ये सब ज़मीन नहीं जा रहा है NTPC में, NTPC नहीं खरीद रहा है, तो ये सब पूरा का पूरा बच रहा है। तो यहाँ पे नए नए घर बन चुके हैं, जितने लोग का घर जैसे पीछे साइड में जितने भी घर था उनका टूट गया है, उनका बिक गया है या फिर टूटने वाला है, तो लोग इधर नया घर बना रहे हैं। यहाँ से राइट घुसोगे तो रायकेरा का पुराना बस्ती जो कि बचे रहेगा, और सीधा जाओगे तो रामपुर है, और लेफ्ट साइड में है हमारा गांव जाने का रास्ता इधर। तो चलो अपने गांव साइड चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे सामने में बना है NTPC का एक बड़ा सा ऑफिस, जो कि काफ़ी बड़ा है, बस जो पहले नहीं था। बाकी ये सब ज़मीन नहीं जा रहा है, तो ये सब ज़मीन को ख़रीद के NTPC लोग बनवा लिए हैं अपने लिए, ऑफिस वगैरह बनवा लिए हैं। फिलहाल ये यहाँ का ऑफिस है, जो कि ये सब नहीं जाने वाला है। तो सारा काम काज यही होता है, कुछ लोगों को जॉब मिला है, हम तो बेरोज़गार, हमें मिला नहीं जॉब फिलहाल, देखते हैं। चलो तो फिर इससे आगे चलते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि कहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। मतलब इससे आगे जाओगे तो उधर हमारा गांव पड़ता है, और शुरुआत हो चुका है उधर से खनन करना, हमारे गांव से ही शुरू हुआ है। यहाँ लेफ्ट साइड में मतलब लोग जो काम करने आते हैं ना, उनके लिए घर बना हुआ है। देखो आगे में जाओगे तो यहाँ पूरा, यहाँ पे काम करने वालों के लिए रूम दिया गया है, उनके लिए बनवाया गया है, जो भी बाहर से काम करने आते हैं उनके लिए सब जगह पे, जो कि यहाँ पे बसे हैं। और कुछ कुछ खाना है तो यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल ये देखो फायर वाले गाड़ी, जो कभी आग लग जाए तो दिक्कत हो तो। और फिलहाल ये सब ऑफिस है, जो कि पुराना ऑफिस है, बाकी नया सा बड़ा सा ऑफिस बन गया है। सब पुराने ऑफिस हैं जो कि पहले बने थे, बहुत पहले, अभी भी है, बाकी नया वाला बहुत बड़ा ऑफिस बन चुका है। फिलहाल ये सब घर बहुत सारा था, जो कि लोगों को काम करने वालों के लिए बनाया गया था। और फिलहाल यहाँ से आगे जाओगे तो सीधा में हमारा गांव है, और राइट साइड में यहाँ से कोयला निकलता है, इससे आगे जाओगे तो पूरा खदान है बड़ा सा, जो कि हमारे गांव के बगल में है, और इधर हमारा गांव जाता है। तो समझ जाओ हमारा गांव जाओगे तो उसके जस्ट राइट साइड में पूरा का पूरा कोयला खदान खोद चुके हैं, और यहाँ भी एक ऑफिस है, यहाँ से भी निकलने वाला है। और यहाँ से लेफ्ट साइड में एक और खदान बन रहा है, जो कि पड़ोस गाँव, क्योंकि 5 गाँव उठ रहा है हमारे आसपास का, तो ये चौंटीगुड़ा वाला रास्ता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये हमारे गांव वाला ही खदान है, जो कि यहाँ पे खुदाई चल रहा है। यहाँ से भी कोयला निकलता है, और वहाँ पे मेन गेट वहाँ से निकलता है मेन, तो और यहाँ से ये चौंटीगुड़ा वाला को उठाएंगे। फिलहाल आगे जाएंगे तो फिर हमारा गांव आ जाएगा। चलो वेलकम टू हमारा विलेज गाँव। फिलहाल ये मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा खोने वाला है। मतलब फिलहाल वही है कि देख लो अच्छे से, और ये हमेशा सेव रहेगा। फिलहाल ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तो हमेशा सेव रहेगा देखने के लिए, क्योंकि ये गांव दोबारा नहीं दिखने वाला। ये हमारे गांव का चौक, जो कि यहाँ लेफ्ट साइड में स्कूल पर आ जाता है, और सीधा जाओगे तो हमारा घर वाला रास्ता जाता है। फिलहाल इतना ही है, यहाँ से एक लेफ्ट में एक बस्ती है जो कि स्कूल पारा बोलते हैं, और ये वाला सीधा वाला बस्ती है, जो कि ये इस गाँव के लास्ट तक जाएगा। और इस गांव में बोलोगे तो ये हमारा लास्ट यहाँ तक है, और 2-4 घर आगे में भी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा गांव का व्यू। चलो यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं, उस वाले रास्ते में दिखाते हैं आपको। चलो तो वापस मुड़ चुके हैं राइट साइड में, जो कि स्कूल पारा साइड जाने का रास्ता, और जो पीछे गए रहते तो लास्ट गाँव पड़ता तिलईपाली, जो कि हमारे गाँव से थोड़ा तो अंदर घुसोगे तो तिलईपाली। और फिलहाल तो ये हमारे गाँव का ही बस्ती है, जो कि स्कूल पारा साइड है, तो इधर चलो चलते हैं। यहाँ से और अंदर भी है, इतना बड़ा पारा नहीं है, यहाँ से और आगे जाओगे तो और उधर और भी मोहल्ला है, 2-4 मोहल्ला है। फिलहाल हमें स्कूल साइड भी काम था, तो चलो वहाँ पे घूम के आते हैं। तो ये रहा फिलहाल अपने गांव का टूर, छोटा सा, फिलहाल ज़्यादा कुछ तो नहीं था। और ये स्कूल है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये आंगनबाड़ी है, वो प्राइमरी स्कूल है, और लेफ्ट साइड में है वो मिडिल स्कूल है, और हाई स्कूल के लिए आप लोग को रायकेरा जहाँ दिखा चुके हैं रास्ते में, ये फ़िलहाल हमारे गाँव का मिडिल स्कूल है, और राइट साइड में प्राइमरी स्कूल है। ये रहा, चलो फिलहाल हो गया, फिलहाल सारा कुछ दिखा लिए, हमारा गांव भी घूम लिए, और फिलहाल घूम लिए रायकेरा, क्योंकि रायकेरा और बिछिनारा फिलहाल उठने वाला है, और तिलईपाली भी है बगल गांव में। फिलहाल कमेंट करना अगर देखना होगा तो तिलईपाली को भी दिखा देंगे एक्सप्लोर करके। तिलईपाली वाले कमेंट करते रहते हैं मेरे को कि हमारे गाँव का तालाब भी दिखा देना, कभी हमारे गाँव तालाब नहाने आना। एक दो बंदे हैं कोई कोई कमेंट करते हैं, पता नहीं। बाकी फिलहाल ये था हमारे गाँव का छोटा सा टूर, और रायकेरा का फिलहाल और स्टेशन आ गया है रेलवे वाला। फिलहाल लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ मालगाड़ी है, फिलहाल के लिए कोयला आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को नहीं पता है, कोयला के लिए बनाया जा रहा है फिलहाल, क्या पता आगे चल के, लेकिन नहीं बनने वाला, मैं कुछ भी इंसानों के लिए नहीं रहेगा।
तो चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। बोलो कि घर का टूर क्यों नहीं दिखाया तो कमेंट करके बोलो यार, फिर दिखाते हैं। फिलहाल के लिए चलो यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट करके बताओ घर का देखना है कि कहाँ पे मेरा घर है, दिखा दूंगा तो पहुँच जाते हैं लोग। फिर मेन दिक्कत क्या होता है ना, कुछ लोग पी खा के पहुँच जाते हैं, वो दिक्कत हो जाता है। चलो फिलहाल वीडियो यहीं तक रहेगा, लाइक कर दो अच्छा लगा तो और सब्सक्राइब करो। चलो थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और